रायबरेली के गांधी सेवा निकेतन बालगृह आश्रम में महिला कार्यकर्ता ने प्रबंधक अरुण मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कार्यकर्ता ने अरुण मिश्रा पर पैसे वसूलने और उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। महिला ने प्रबंधक से परेशान होकर जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि वो बाल आश्रम पर 2010 से 5000 रुपए के वेतन पर कार्यरत है। वेतन बढ़ाने को लेकर जब अपने प्रबंधक अरुण मिश्रा से बात की तो उन्होंने काम पर ना आने को कह दिया और कागजों पर उसका वेतन 17,500 रुपए है जबकि उसको सिर्फ 5,000 रुपए दिए जाते हैं। तो वहीं सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है प्रबंधक ने और उसकी सैलरी सीधे अकाउंट में जाती है। उन्होंने कहा कि सीधे उसकी सैलरी उसके अकाउंट में जाती है और जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बाल गृह गांधी सेवा निकेतन में 2010 से कार्य करती हूँ और वो लिखित रूप में हमारा 17,500 रुपये पेमेंट बताते हैं और उनको 5,000 रुपये देते हैं और कागज़ में भी कई लोगों का उन्होंने नाम चला रखा है जिसका वेतन वो खुद प्रबंधक जी देते हैं। हमारी मैडम से यही उम्मीद है, डीएम मैडम से, जिलाधिकारी जी से हमारी यही उम्मीद है कि हमारी नौकरी हमको वापस मिले। पैसा कैसे वसूला जाता है हमको जानकारी नहीं है कोई भी, क्योंकि जो भी हमारे पास पैसे का लेन देन है वो सब अकाउंट पे ही होता है। और सबसे अंतिम प्रकरण ये है कि भी जुलाई से लेकर मार्च 19 तक, जुलाई 18 से मार्च 19 तक 9 महीने का पैसा जिला प्रोबेशन अधिकारी ने हमारे सब कर्मचारियों खाते में डाला। तो हम तो यही कर सकते हैं ना, खाते में तो पैसा डाल सकते हैं और इसे कोई ऐसा और क्या कर सकते हैं। तो ये बेबुनियाद है मेरे ख्याल से। देखिए, ये एक एनजीओ है और इसकी शिकायत आई है कि इस एनजीओ में जो बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में एक महिला जो कार्यरत हैं, उस महिला को जो सैलरी मिल रही है वो जितना सैलरी उसके लिए जिसके लिए अधिकृत है वो उसके सापेक्ष बहुत कम सैलरी ये लोग देते हैं। हालांकि इनकी पासबुक्स हम लोगों ने अभी देखी तो पासबुक में तो जो अधिकृत रूप से उसको सैलरी मिलनी चाहिए 17,500 वो बता रही थी, वो उसमें अंतरण हो रही है। लेकिन महिला का आरोप है कि वो अंतरण करा लेते हैं, बाद में पैसा जो है वो उसको कम देते हैं, उससे वापस ले लेते हैं। इसके लिए अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर को बुलाया था और उनके माध्यम से इनको एक नोटिस भी हम लोग दिलवा रहे हैं इस प्रकरण में। अग्रतर कार्रवाई हम लोग जो निष्कर्ष निकल के आएंगे उसके अधीन करेंगे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।